कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, जिनसे हमारे संवाददाता मनोहर बिश्नोई ने खास बातचीत की। कांग्रेस मिशन 25 को लेकर के दिल्ली में महामंथन कर चुकी है और स्क्रीनिंग कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया। चाहे कि पॉलिटिकल प्याली प्रोग्राम हमारा जो शो है उसमें हम पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी से। पांडे जी, आपने तमाम जो उम्मीदवारों को चयन को लेकर के प्रक्रिया पूरी कर ली है, अब सीईसी में जो नाम जाने वाले हैं, क्या सिंगल नाम का पैनल कंप्लीट कर लिया गया है? देखिए, 25 लोकसभा सीटों के लिए अधिकांश सभी सीटों पर सभी की सर्वसहमति से नाम जो रिकमेंड करने हैं सीईसी के लिए तैयार हो चुके हैं। सीईसी के सामने चर्चा होकर इस पर फाइनल मुहर लगेगी, उसके बाद इसकी घोषणा। सर, कुछ नेताओं को, जो विधायक और जो मंत्री हैं, उनको लड़ाने को लेकर की बात चल रही थी लगातार। पहले ये कहा था कि नहीं होगा, अब कह रहे हैं कि जो जिताऊ चेहरा होगा, चाहे बड़ा हो छोटा, सबको लड़वाया जाए। क्या मंत्रियों को भी टिकट मिले? ना ही ऐसा कोई वक्तव्य पहले कहा गया, लेकिन चयन समिति ने हर एक लोकसभा क्षेत्र निहाय वहां पे सभी लोगों से चर्चा की, वहां के हमारे कार्यकर्ताओं से की, वहां के सर्वे रिपोर्ट्स हैं, वहां पे हमारे जो इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं, उसके अलावा पिछले हमारे जो विधानसभा का वहां पे परफॉर्मेंस रहा, इन सभी चीजों का स्टडी करके, इन सभी चीजों का अवलोकन करके आगे के रिकमेंडेशंस किए गए। सर, कुछ चीजें ऐसी भी आई कि लगातार कुछ आपके निर्दलीय विधानसभा में जीत कर आए और वो पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी जो एक सहमति सभी नेताओं में नहीं बन रही, क्या इस लोकसभा चुनाव में वो बन पाएगी? मैंने कहा कि सर्वसहमति से नाम रिकमेंड किए गए हैं। सर्वसहमति का मतलब होता है कि अधिकांश सभी लोगों से चर्चा करके उनकी सहमति प्राप्त करके और फिर कैंडिडेट। देखिए, लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी वहां पर जिताऊ उम्मीदवार निश्चित रूप से क्राइटेरिया है, लेकिन साथ ही साथ में सब लोगों को उनके प्रति एक एक्सेप्टेंस जो होता है, और उससे महत्वपूर्ण है उनका जीत में आने की, जीत कर आने की क्षमता, और साथ ही साथ उनका पार्टी के लिए किया गया कार्य, पार्टी के में दिया गया योगदान और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका समन्वय। इन सब चीजों पर समय समय पर आपने भी देखा होगा कि प्रक्रिया ये कोई एक दिन की या दो दिन की नहीं होती है। जो भी कैंडिडेट होता है, लोकसभा एक बड़ा चुनाव होता है जिसमें 8 विधानसभाओं का इसमें समावेश और योगदान होता है, तो इसीलिए क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, करीबन इसमें 15 से 20 लाख मतदारों का इसमें उनका मत होता है, और इसीलिए ये प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि सबका समन्वय बैठा कर, और जैसे आज राष्ट्र में जो परिस्थिति है, एक जो एक बदलाव का वातावरण है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कौन सा हमारा सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, कौन सा सबसे बेहतर चेहरा हो सकता है, इन सभी चीजों के अवलोकन कर फिर निर्णय लिया। सर, चुनाव में जो दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो सीनियर हैं, उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी भी टिकट मांग रहे हैं, क्या इस दौर में उनको टिकट मिल पाएगी और उनके लिए जिताऊ जो सिचुएशन है, क्या अभी फेवर में है? देखिए, आपको सब चीज को इतना स्पष्ट रूप से जो मैंने कहा कि जिताऊ उम्मीदवार सर्वसहमति से नामों पर चर्चा, अनेक वहां पे दावेदार होते हैं, उसमें जब सर्व लोग चर्चा करते हैं, तो इसमें अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई एक नाम बोलूं या कोई रिश्तेदार का नाम बोलूं या मित्र का नाम बोलूं, तो चयन समिति इन सभी अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करती है और उसके बाद में निर्णय लेती है। उसमें कोई रिश्तेदारी या वो नहीं देखी जाती, उसमें देखी जाती है कि चुनकर आने की क्षमता। लेकिन राजनीति में सर, रिश्तेदारों की जो फौज है वो आती जाती है, रिश्तेदार उनके आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती जाती है राजनीति में, तो क्या ये राजस्थान में ट्रेंड चलता जाएगा? बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, मैं फिर से कहूं कि ये सर्वसहमति से जो भी उम्मीदवार होता है उसका चयन होता है, उसमें जिसका पार्टी के प्रति समर्पण रहा हो, पार्टी से योगदान रहा हो, जिसको पार्टी में सबकी एक्सेप्टेंस हो, मंजूरी हो, अधिकांश वही उम्मीदवार होते हैं, ऐसा कोई कैंडिडेट बाहर से नहीं आ सकता। सर, कुछ ऐसे जातीय समीकरण के हिसाब से कुछ नेता जो है अपनी दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन पार्टी कह रही है कि हम किसी और समीकरण पर काम कर रहे हैं। अब मैं नाम लेना चाहूंगा, हरीश चौधरी, रामेश्वर डूडी, ये जो लोग पार्टी में दबाव बना रहे हैं टिकट को लेकर के, इसको कैसे आपने मैनेज किया और क्या इसको सुलझा लिया गया, उनको मना लिया? देखिए, ये दोनों आपने जो नाम लिया, ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, फॉर्मर सीएलपी लीडर हैं, और
बहुत ही जिम्मेदारी के साथ वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आप क्या चीज बोलना चाह रहे हैं उस पर मैं स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों नेताओं ने पूर्ण रूप से अपने अपने क्षेत्रों में और पूरे राजस्थान में कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं और आगे भी हैं। सर, मारवाड़ की कुछ सीटों का जिक्र करना चाहूंगा। वैभव गहलोत जो सीएम के बेटे हैं वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए सीट जालौर सिरोही बता रहे हैं, कभी जोधपुर बता रहे हैं, लेकिन ये इतना लंबी खींचतान कोई गुटबाजी की वजह से है या फिर वैसे दावेदारी की वजह से? ये गुटबाजी शब्द तो आप, मैं समझता हूँ, राजस्थान में राहुल जी के रहते हुए या मेरे रहते हुए गुटबाजी शब्द ऐसा कहीं पर भी हमको सुनने नहीं मिला। ये मीडिया का और आपका क्रिएट किया गया हमेशा का ये जो सुर है इसको बदलना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी मीडिया की ज्यादा राजस्थान की भलाई के लिए है, राजस्थान के विकास के लिए है, ना ही किसी एक पक्ष का मत रखते हुए बार बार इस चीज को दोहराना कि कांग्रेस में किसी प्रकार की गुटबाजी है। हर एक के अपने स्वतंत्र मत होते हैं और अलग अलग मतों के आधार पर निर्णय होते हैं, उसको गुटबाजी नहीं कहते। आपने बात की वैभव गहलोत की। वैभव गहलोत युवा कांग्रेस से, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवा आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया है और निश्चित रूप से उनका एक व्यक्तित्व और उनका सबके साथ में मिलनसार स्वभाव जो है, उस कारण से एक दो नहीं तीन तीन जगह से उनको वहां पर बेहतर उम्मीदवार के रूप में वहां के लोगों ने चाहा है। ये हाईकमान, आला कमान और साथ ही साथ चयन समिति पर निर्भर करता है कि वो उनको कहां से सबसे उपयुक्त समझते हैं। बाकी अब गहलोत जी या हमारे वो ना ही सिर्फ एक पुत्र के रूप में, लेकिन उनका एक स्वतंत्र पार्टी के अंदर में अभी पदाधिकारी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, पिछले 5 सालों से वो कार्य कर रहे हैं और उनका योगदान पार्टी के प्रति रहा हुआ है, उनकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान है। तो इसीलिए उनको कहना कि वैभव गहलोत सिर्फ मात्र अशोक गहलोत जी के चिरंजीव हैं या बेटे हैं, ये उनके लिए एक ताकत हो सकती है, ये उनके परिचय में एक उनका मजबूत उनकी बाजू हो सकती है, लेकिन उसको इस प्रकार से पार्टी डिस्काउंट नहीं कर सकती क्योंकि सिर्फ वो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, इसलिए उनका नाम विचारणीय ना हो। गंभीरता के साथ में पार्टी आलाकमान कांग्रेस अध्यक्ष इस पर अपना निर्णय देगी। सर, आपने प्रचार अभियान शुरू कर दिया, 8 लोकसभा क्षेत्र आपने पूरे कर लिए, आपने साथ मिलकर तमाम जो टीम राजस्थान जो कही जा सकती कांग्रेस की उसके साथ में आपने प्रचार किया, एक ही गाड़ी में एक ही जो आपका जो मंच शेयर करते हुए, ये क्या मैसेज है और किस तरीके से आगे आप लोकसभा में इसको मतलब आगे सर्कुलेट कर? देखिए, ये मैसेज नहीं है, पिछले 3 महीनों से यहाँ पर, पिछले 2-2.5 महीने से कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में जनता ने जो कांग्रेस पर विश्वास दिखलाया है उसके चलते हुए कांग्रेस के और कांग्रेस के नेतृत्व की जिम्मेदारी और ज्यादा चौगुनी हो गई है। इसमें एक और तो सरकार में आने के बाद में पिछले 2.5 महीनों में आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से जितने भी लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उन योजनाओं को जो बंद पड़ी थी उन्हें शुरू किया गया, चाहे किसानों का कर्ज माफी का जो वादा किया गया था उसको माफ किया गया, हमारे गरीब बस्तियों में और आम साधारण व्यक्ति के घर में जो पीने के पानी से संबंधित समस्या थी उसके प्रति माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक सीमित सीमा तक पानी मुफ्त किया जाएगा, कोई बिल नहीं दिया जाएगा। हमारे जो खेती किसान भाई जो थे उनको सतत बिजली अगले 5 साल तक कोई उसके दर में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी और उन्हें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार की अनेक योजनाएं पहले स्तर पर की गई, संगठन स्तर पर भी हमारे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो थे, हमारे प्रशिक्षण शिविर थे, वो पूरे किए गए। अब ये जो है ये नेतृत्व पूरा नेतृत्व नहीं सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, बल्कि हमारे जितने भी सम्माननीय प्रभारी मंत्रीगण हैं, हमारे प्रदेश के कांग्रेस के पदाधिकारीगण हैं, हर एक ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर ये एक पूरे 25 लोकसभा क्षेत्र में और 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होंगे, 400 ब्लॉकों में कार्यक्रम होंगे और उसी कड़ी के तहत ये जो मिशन 25 को लेकर ये हमारा विजय संकल्प यात्रा शुरू है और इस विजय संकल्प प्रचार के दौरान हम इस चीज को पूर्ण रूप से शाश्वत करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर कांग्रेस का संदेश, माननीय राहुल गांधी जी का संदेश और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी का संदेश लेकर हम आगे बढ़ें।
सर आपने योजनाओं का जिक्र किया, आपकी सरकार हालांकि कम दिनों की है, दो ढाई महीने की है, उनमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो किसानों का है ऋण माफी का, वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन जिस वे में इम्प्लीमेंट होना चाहिए वो अब तक हो नहीं पाया, उसको लेकर के आप किस तरीके से जनता में मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे स्लो स्लो हो रहा है। नहीं, स्लो उसको नहीं बोलेंगे। देखिए, एक सरकारी प्रक्रिया होती है और उसमें हर एक प्रभारी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में इससे संबंधित शिविर लगा के जितना जल्द से जल्द हो सके उसमें किसानों का भी सहयोग जितना मिल सकता है, आप उनको काम धंधा छोड़ के सिर्फ इसमें नहीं लगा सकते। और इससे संबंधित हर जिला स्तर पर, हर तालुका स्तर पर कोशिश यह है कि कितना जल्दी से जल्दी हम उनको ये फायदा पहुंचा सकें, और इसके लिए जगह जगह पर शिविर लगाए जा रहे हैं, जैसी जानकारी आ रही है उन लोगों तक के उनका फायदा किस प्रकार से जल्दी मिले वो भी प्रयत्न किया जा रहा है। सर, युवाओं का एक बड़ा मुद्दा रहा है राजस्थान में रोजगार का, लगातार कांग्रेस मुद्दा भी बनाती जा रही, क्या गहलोत सरकार अब उस युवाओं की जो बात सुन करके, अभी हालांकि कुछ वैकेंसी शुरू हो चुकी, कुछ अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से आप आश्वस्त करें? देखिए, जैसा आपने खुद कहा कि अभी दो महीने भी पूरे नहीं हुए हैं सरकार की शपथ लेके, दो महीने में जो काम हुआ है या गति है, नियत क्या दिखती है आपको? निश्चित रूप से बहुत गंभीरता के साथ में हर एक मुद्दों को लिया है, न ही सिर्फ युवकों के बेरोजगार से संबंधित, सरकारी नौकरियों में भी जो वैकेंसीज हैं उन पर भी कितने से ज्यादा युवकों को मौका दिया जा सकता है उसका प्रयत्न शुरू है। हमारे जितने भी प्राइवेट सेक्टर है उसमें उनकी अड़चनें दूर कर किस प्रकार से उनको आकर्षित किया जा सकता है, यहां तक कि मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में पहली बार राजस्थान में जो हमारे छोटे उद्योग लगाने के लिए योजना की घोषणा हुई है कि 3 वर्षों तक कोई भी उद्योग शुरू हो जाता है 3 वर्षों में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, तब तक उसको किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं जो युवकों को रोजगार और रोजगारी बढ़ाते हुए अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार और स्वयं रोजगार कर सकें, उस दिशा में ये कदम है जिसका हम सब स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से सिर्फ हम बेरोजगारी भत्ते के आधार पर नहीं, लेकिन उनको उनके पूर्ण आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ में हर युवक हर युवती हमारी एजुकेटेड हो या एक या अंडर एजुकेटेड अंडर ग्रेजुएट हो, उन सबको किस प्रकार से बेहतर हम नौकरी के और स्वयं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, इस दिशा में हमारी पहल। सर, आपने तमाम योजनाओं का जिक्र किया जो गहलोत सरकार की जो जिस तरीके से जो पहल है और जो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या इन तमाम योजनाओं और इन कार्यकलापों से मंत्रियों का भी मूल्यांकन होगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो भी मंत्रीगण वहां पर हैं बहुत जिम्मेदारी से अपने जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। अगर कहीं पर एक सीमा के अंतर्गत, अभी पार्लियामेंट का चुनाव है, पार्लियामेंट के चुनाव में भी हर एक मंत्री का, हर एक विधायक का, हर एक पदाधिकारी का उनके परफॉर्मेंस आधार पर भी मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन एक चीज मैं निश्चित रूप से बता दूं, मुझे खुशी है कि हर एक स्तर पर पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर और मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री तक, मुझे खुशी इस चीज की है कि अपने जिम्मेदारी का एहसास करते हुए और 16-16, 18-18 घंटे लोक सेवा में जनता के बीच में जाकर किस प्रकार से हम उनकी समस्याओं को, उनकी भावनाओं को जान सके, समस्या को सुलझा सके, ये एक प्रयत्न बहुत ही ईमानदारी से शुरू है। निश्चित रूप में कि जो जिस प्रकार का अभी तक के एक सुनवाई का अभाव था उसके चलते हुए लोगों की अपेक्षा और भी ज्यादा हो सकती है, और हमारी भी कोशिश है कि हम उनकी अपेक्षा अनुसार और अपनी क्षमता को और बढ़ाएं। सर, मिशन 25 की जब बात करते हो तो आलाकमान ने कहा है कि कम से कम 20 सीट तो जीतनी है, तो क्या आप 25 सीट जीतने को लेकर आश्वस्त हैं पूरी तरह? ये 20 का आपने आंकड़ा कहां से लाया है ये तो मुझे फिर से मालूम नहीं है मनोहर जी, ये आपके मीडिया में चलने वाला आंकड़ा है। हमारा लक्ष्य 25 लोकसभा है, एक कम नहीं, और ये हमारा मिशन 25, हम कामयाब होंगे। अब थोड़ा राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करना चाहेंगे सर, प्रियंका गांधी जी की डिमांड राजस्थान में लगातार हो रही है, कई जगह से हो रही है, क्या जयपुर या और कोई जगह से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने जो जो भी हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका जी के लिए और अन्य केंद्रीय नेतृत्व को हमने अपनी जहां जहां पर मांग है वो हमने प्रेषित कर दी है। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर जब कार्यक्रम बनते हैं तो ये निर्णय उनको लेना है, यहाँ की हमारी प्रचार समिति उसका निर्णय लेती है कि कौन कौन से नेता किस वक्त कहाँ जाएंगे, तो उसका जैसे सूचना मिलती है निश्चित रूप से फिर सबके बीच में भेजेंगे।
राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो चुनावी दौरा है कब से शुरू हो रहा है राजस्थान? ये मार्च एंड से शुरू होगा, तारीख तिथि हमको जल्दी मिल जाएगा और उनसे हमने मांग भी की है कि कितना ज्यादा से ज्यादा समय वो राजस्थान में अगर दे सकते हैं, जितना समय मिलेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के कोनों तक, जिलों तक पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। सर, एक अभी इन दिनों कल प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है ट्विटर हैंडल पर की चौकीदार, उसको लेकर आप क्या मतलब अपनी भावना किस तरह व्यक्त करेंगे? क्योंकि देश भर के नागरिकों का है कि जो भाजपा के सारे कार्यकर्ता वो चौकीदार हैं, देश भर के नागरिक चौकीदार हैं, इसका किस तरीके से आप? ये एक बहुत ही हास्यास्पद सूचना और समाचार मैंने पढ़ा। मैं समझता हूं कि कोई चोर चोरी कर और अगर उस झूठ को लोगों के बीच में जिस प्रकार से भ्रमित करने का एक आत्मविश्वास उनकी इस योजना में है, लेकिन मैं नहीं समझता कि देश की जनता अब किसी प्रकार से भ्रमित होगी। जो विषय है उन विषय को बहुत ही जाहिर रूप से पब्लिक के सामने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के हमारे हर एक कार्यकर्ता ने गली चौराहों पर इस चीज को मुद्दा जनता के सामने रखा हुआ है। चोरी हुई है इसमें किसी को भी कोई शंका नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर चोरी साबित होने के डर से और अपने आप को चौकीदार और ईमानदार की बार बार अगर बार बार हर एक के मुंह से अगर ये दोहराए, तो कोई झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो लोग उसको झूठ नहीं मानते। इस आधार पर अगर माननीय मोदी जी और माननीय भारतीय जनता पार्टी अगर सोच रही है तो वो भ्रम में है। देश की जनता बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ी लिखी और समझदार है और वो अब इस प्रकार के बहकावे में आने वाली नहीं है। इससे बेहतर होगा कि मोदी जी ये बतलाएं कि मैंने 2014 में आपसे रोजगारी का वादा किया था, उस पर मेरा ये परफॉर्मेंस है। मैंने आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में जमा करने का वादा किया था, उसमें मैंने आपको 10 लाख दे दिया या 8 लाख दे दिया। आप मोदी जी ये जवाब दें कि आपने देश को वादा किया था कि आप काला धन लेकर आएंगे, तो मैंने इतना काला धन लाया। मोदी जी आप देश को ये बतलाएं कि मैंने देश से ये वादा किया था कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, तो मैंने इतनी 2, 3, 5 मैंने बना दिया। मोदी जी आप देश को ये बतलाएं कि मैंने पूरे देश के किसानों से वादा किया था कि आपकी लागत से दुगना आपको मुनाफा होगा, तो मैंने किसानों की लागत का दुगना तो नहीं कर पाया लेकिन मैं 10% उनको फायदा दे पाया। किसानों की आत्महत्या रोक दूंगा, मैं इतना कर पाया। मैंने आतंकवाद के समय अगर मोदी जी के भाषण उस समय के वक्तव्य सुने तो वो अपने आप में जवाब है कि उनने आतंकवाद के बारे में नारा दिया था। इन 5 वर्षों में किस प्रकार से आतंकवाद की बढ़ोतरी पूरे देश में हुई है और साथ ही साथ देश के अंदर की आंतरिक शांति किस प्रकार से भंग हुई है, किस प्रकार से असुरक्षा का वातावरण पूरे देश में और समाज में फैला हुआ है, किस प्रकार से लोगों में एक सामंजस्य और आपसी जो भाईचारा था उसमें गिरावट आई है, इन सब चीज पर अगर मोदी जी बोलेंगे तो देश की जनता उनको समझ सकेगी, जान सकेगी और अपना निर्णय ले सकेगी। सिर्फ चोरी करने के बाद में और सभी मुद्दों पर, सभी वादों पर पूर्ण रूप से विफल होने के बाद में आप सिर्फ लोगों को भ्रमित करें कि राष्ट्र प्रेम बतलाकर और देश प्रेम बतलाकर, तो ये कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को की आजादी से लेकर देश के विकास और प्रगति के लिए 70 सालों में देश के सामने में, पूरी दुनिया के सामने में अनेक उदाहरण रखे, चाहे वो सीमा सुरक्षा का हो, तो ये वही कांग्रेस है जिसने, ये वही जिसके प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 90,000 से ज्यादा सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। तुलना करिए, कम से कम इतना तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि देश के गौरव में आप इन चीजों का भी उल्लेख करें। क्या आपने एक शब्दों से भी कहीं उल्लेख किया? अगर देश का गौरव, देश का प्रेम, राष्ट्र प्रेम की आप बात करते हैं तो आप उसको निष्पक्ष रूप से ईमानदारी के साथ में बिना किसी चीज की राजनीति किए हुए देश के सीमा सुरक्षा पे लड़ रहे हमारे जवानों के लिए, सैनिक जवानों के लिए, चाहे एयरफोर्स हो, हमारे सीमा दल के लोग हों, चाहे हमारे नेवी के लोग हों, पूरा देश एक एक बच्चा उनको सैल्यूट करता है। आज उनके चलते हुए देश के लोग सुरक्षित और शांति से सोते हैं।
तो कृपा करके उनकी कुर्बानियों को, उनकी आहुति को, उनके किए गए कार्यों को आप राजनीतिकरण ना करें। इससे देश का और आपका स्वयं स्तर लोगों की नजर में कमजोर होता है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ना ही किसी एक पार्टी के। तो कृपा करके अगर आप देश के सामने में एक प्रधानमंत्री के तौर पर अगर पेश आएंगे तो देश को उससे कम से कम शांति मिलेगी। सर, आपने तमाम जो चीजों का जिक्र किया, इस परिस्थिति में, इस राजनीतिक हालात और माहौल में कांग्रेस किन पांच ऐसे मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में जाएगी जो आप जनता को आप कन्विंस कर पाएंगे कि कांग्रेस क्यों बेहतर है? सबसे बेहतर उदाहरण के तौर पर ये लक्ष्य है हमारा, माननीय राहुल गांधी जी का, किसानों की समस्या, चाहे वो ऋण माफी की हो, चाहे उनको उनकी लागत में ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिल सके, उस दिशा में हमारी योजना बनाना, नियत करना। इससे पहले 2008 में कांग्रेस ने करकर दिखलाया, पूरे देश के किसानों का पूर्ण कर्जा माफ किया, और कांग्रेस ने वादा नहीं किया था, कांग्रेस ने करकर दिखलाया। और कांग्रेस फिर आज हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने देश के किसानों से वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और किसानों का कर्जा माफी करेगी। नंबर दो, लोगों के युवा रोजगार के लिए कांग्रेस संकल्प लेती है कि युवा को रोजगारों में ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका फायदा मिले। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का प्रयत्न रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार का अभी दिखावा हो रहा है या एक नया करिकुलम और इतिहास बनाने की कोशिश की जा रही है, तो एक सर्व लोगों के मान्य, पूरे देश को एकजुट बांधने वाले पाठ्यक्रम को लागू करते हुए देश में शिक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़े करें। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देश की जनता के सामने जो मिनिमम आय है, जो मिनिमम इनकम स्कीम हमारी जो है, जो योजना है, उसके तहत हर व्यक्ति को कम से कम इतनी आय मिले, इस चीज की का सीमा तय करते हुए, और ये आश्वस्त करेंगे कि देश का हर व्यक्ति कोई भूखा ना सोए और उसको अपनी मिनिमम न्यूनतम आय उसमें प्राप्त हो। इसी प्रकार से देश और सीमा पर जिस प्रकार की आज अशांति और एक डर का भय का वातावरण चल रहा है, विशेष रूप से सामाजिक स्तर पर, तो यहां पर फिर से एक बार सामंजस्य, मैत्री भाव पूर्ण स्थिति कायम हो, उसके लिए सभी जाति समाज समुदाय को साथ में लेकर उनके जो भी उनके मत हैं उसका सम्मान करते हुए देश में एक खुशहाली का वातावरण ला सके। सर, आखिरी सवाल करूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो चुनाव में जा रही है, क्या अन्य पार्टियों के नेता आपके संपर्क में हैं और कितने हैं और कैसे उनको कब एंट्री होगी? मैं नाम लेना चाहूंगा कि घनश्याम तिवाड़ी का नाम जो आ रहा है जयपुर शहर से चुनाव लड़ने की बात भी आ रही है, दूसरा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला को चुनाव लड़वाने की बात की जा रही है टोंकसवाई माधोपुर से, क्या इन चीजों पर आप पार्टी में मंथन हो चुका है? देखिए, आपने जिन माननीय नेताओं का नाम लिया, ये सभी जनमान्य अनुभवी नेता हैं, उनके साथ में संपर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें हैं ये जाहिर रूप से कहना उचित नहीं होगा। ये सभी सर्वमान्य नेता हैं और इन नेताओं का निर्णय इनका अपना है। संपर्क तो हर एक से होता है, हर एक व्यक्ति से होता है, लेकिन आज जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, हर एक जो समझदार नेता है वो आज कांग्रेस की विचारधारा पर जो विश्वास रखता है, कांग्रेस की कार्यशैली पर जो विश्वास रखता है, और जिसको अपने गलतियों का भी पिछले दिनों, इनके अलावा भी और कई नेता हैं, आपने दो ही नाम लिए, दो ही नाम क्यों लिए आपने, अनेक नेता ऐसे हैं प्रदेश के जो संपर्क में हैं और एक यथायोग्य समय पर उनके खुद के सहमति से उचित निर्णय लिया जाए। एक सवाल और जोड़ूं कि इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों में अविनाश पांडे जी का रोल राजस्थान में कितना बढ़ जाता है और चुनाव के नतीजों के दौरान, क्योंकि जिस तरीके से आपने विधानसभा में तो सरकार बनवा दी, अब लोकसभा में आप राहुल गांधी को क्या गिफ्ट और किस तरीके से सहयोग करना चाहिए? अविनाश पांडे एक सिर्फ माननीय कांग्रेस अध्यक्ष का वहां पर भेजे हुए एक प्रतिनिधि हैं, मैं वहां का प्रभारी हूं। मेरा कार्य कोई सरकार, जैसा आपने कहा, सरकार मैं नहीं बनाता हूं, सरकार वहां का नेतृत्व वहां के कार्यकर्ता बनाते हैं।
मेरा काम उन सब लोगों के साथ में सहयोग करना है और उनकी जो अच्छी उनकी ताकत है उस ताकत को एकत्रित कर हमारे उद्देश्य की तरफ उनको दिशा देना है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। जो चाय की प्याली पॉलिटिकल प्याली में आज हमने अविनाश पांडे जी से बात की, इन्होंने बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। अब देखना यह होगा कि इस प्याली में चीनी कितनी कम है या ज्यादा, वो लोकसभा चुनाव के बाद नजर आएगा। सहयोगी लेखराज के साथ मनोहर विष्णु, जी मीडिया, दिल्ली।